स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, मंगेतर से दुष्कर्म कर जेल गया, छूटते ही दूसरी शादी। आरोप लगाने वाली युवती बोली, पुलिस शादी रुकवाए नहीं तो करूंगी आत्मदाह। बिलासपुर में मंगेतर से रेप का आरोपी रेल कर्मी युवक जेल से छूटते ही अब दूसरी शादी रचाने जा रहा है। इधर उसके साथ लिव इन में रह चुकी युवती उसकी शादी रुकवाने के लिए पुलिस का चक्कर काट रही है। युवती ने चेतावनी दी है कि युवक की शादी नहीं रुकी तो वो एसपी ऑफिस में आत्मदाह कर लेगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक जमानत पर है, ऐसे में पुलिस उसकी शादी कैसे रुकवा सकती है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। दरअसल तोरवा क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय युवती प्राइवेट जॉब करती है। 3 साल पहले तखतपुर क्षेत्र के रहने वाले राकेश यादव के साथ सामाजिक रीति रिवाज से उनकी शादी तय हुई थी। राकेश रेलवे में पोर्टर के पद पर कार्यरत है। परिवार वालों ने ही उनकी सगाई भी कराई थी, लेकिन सगाई तय होने के बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन शुरू हो गया, इस वजह से उनकी शादी टल गई। दोनों परिवार वालों के बीच कोरोना के बाद शादी करने की सहमति बनी, लेकिन सगाई तय होने के बाद युवक युवती आपस में बातचीत करने लगे और मिलना जुलना शुरू हो गया। इस दौरान युवक ने उसके साथ रेप किया। इस दौरान युवती का मंगेतर राकेश यादव उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा, जिससे युवती प्रेग्नेंट हो गई। तब राकेश यादव ने शादी के बाद बच्चा लेने की बात कहते हुए उसका गर्भपात भी करा दिया। पति पत्नी की तरह जीवन गुजारने के बाद युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी राकेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब जेल से जमानत पर छूटते ही उसने दूसरी लड़की से शादी तय कर ली है। एसपी ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंची युवती का आरोप है कि आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने 1 माह पहले ही केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में खामियों की वजह से आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गया है। युवती का आरोप है कि अब वो पुलिस वालों से मिलीभगत कर दूसरी लड़की से शादी तय कर लिया है। युवती का कहना है कि दुष्कर्म के केस में आरोपी को जमानत मिली है, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, ऐसे में वो अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता है। युवती ने बताया कि आरोपी युवक ने उसके साथ मंदिर में शादी रचाई थी और दोनों पति पत्नी की तरह रहे थे, इसका उसके पास फोटोग्राफ्स भी है। इधर पीड़ित युवती का कहना है कि पुलिस से न्याय नहीं मिलने पर वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगी। उसका कहना है कि अब उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। युवक की शादी नहीं रुकी तो वो एसपी ऑफिस में आकर आत्महत्या कर लेगी।